चलिए फिर दे देती हूँ आपको अपडेट कि आखिर आज लाइव फीड में क्या हुआ और किस टीम ने जीता है करण कुंद्रा एंड लाइव ऑडियंसेस का दिल। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। आज लॉकअप का मंच जो है ब्लू और ऑरेंज दोनों ही टीम्स के लिए ओपन अप किया गया था। अत्याचारी अरीना का टास्क इस बार होने वाला था ना कि फिजिकल बल्कि एंटरटेनमेंट से रिलेटेड। सो अभी तक हमने फिजिकल टास्क ही देखे हुए हैं, लेकिन अब अपना टैलेंट और अपना स्किल दिखाने के लिए यहाँ पे रंग मंच दिया था इन दोनों ही टीम्स को, जहां पे ब्लू टीम ने उसका काफी अच्छा इस्तेमाल किया। मुनव्वर ने स्क्रिप्ट राइटिंग की थी, वो डायरेक्ट भी कर रहे थे उस एक्ट को, साथ ही साथ उन्होंने एंकरिंग भी करी और उसके लिए उनकी ढेर सारी तारीफ की गई। खुद करण कुंद्रा ने भी उनकी भर भर के तारीफ की है। उसी के साथ साथ आजमा वॉज ऑल्सो फन, थोड़ा उनका जो हमेशा वाला टच है थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा था, वो एज अ फैन और एज अ कैमरा का रोल निभा रही थी, तो वो भी उनका एक रोल था, बट बीच में खैर दो डायलॉग भी भूल गए। साइशा पायल एंड पूनम वर ऑन फायर, तीनों ही काफी हॉट सिजलिंग परफॉर्मेंस दे रहे थे। अली वाज लाइक प्लेइंग डिफरेंट डिफरेंट रोल्स, पहले उन्होंने बुढ़े बेवड़े का रोल प्ले किया, फिर एक अमेरिकन का रोल प्ले किया, फिर एक पुलिस वाले का रोल प्ले किया। काफी कोऑर्डिनेटेड, काफी इंटरेस्टिंग एक्ट था और ऑडियंसेस को भी, लाइव ऑडियंस जो थी उन्हें भी काफी ज्यादा इनका परफॉर्मेंस पसंद आया। जब ऑरेंज टीम की बारी थी, ऑरेंज टीम में कई सारे लोग टैलेंटेड है लेकिन इनमें ना कोई भी कोऑर्डिनेशन था और इन्होंने काफी लास्ट मोमेंट आग प्लान किया था। कुछ सुबह लाइव फीड में इन लोगों के झगड़े वगड़े भी आपने देख ही लिया होंगे कि किस तरीके से इनकी बन नहीं रही थी, स्पेशली जिशान का जो फाइट था मंदना के साथ हो रहा था। मंदना वॉज नॉट लाइकिंग द फैक्ट दैट शी डिड नॉट वॉन्ट टू परफॉर्म विद अंजलि एंड जिशान। दरअसल प्लान ये था इन लोगों का कि अंजलि और मंदना एक साथ परफॉर्म करेंगे, जिशान और शिवम एक साथ करेंगे एंड करण जो है होस्टिंग करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन अंजलि और शिवम का काफी अच्छा डांस था, कोऑर्डिनेटेड नहीं था इतना, बट उनको देखिए हंसी आ रही थी, मजा आ रहा था, अंजलि वाज डांसिंग वेल, लेकिन शिवम स्टोल द शो फॉर श्योर। जिस तरीके से वो एंटरटेन कर रहे थे उन्हें देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। जिशान ट्राइड हिज बेस्ट एंकरिंग करते हुए, पहली बार कर रहे थे, बट करण ने उनकी भी तारीफ की कि यू नो फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज नॉट सो बैड। वेल, शिवम ने तो स्टिल कर ही लिया शो, लेकिन उससे भी ज्यादा करणवीर बोहरा ने जब माइम का एक्ट किया कि किस तरीके से लोग ऑडियंस बनते हुए तमाशे देखते हैं, तमाशा देखने आते हैं, लोगों के साथ जो हो रहा है हंसी मजाक लेते हैं, एंजॉय करते हैं, किसी और के लाइफ के कोई पलों को लेकर या किसी नेगेटिव चीज को और बढ़ावा देते हुए, जस्ट अपने आप को एंजॉयमेंट चाहिए इसलिए दूसरों को भिड़ाते हैं, आपस में लड़ाई करवाते हैं, काफी अच्छा मैसेज करण बोहरा ने दिया, करणवीर बोहरा ने। सो दैट वाज आल्सो नाइस, उनकी तारीफ भी कई कई की गई करण कुंद्रा की ओर से और लाइव ऑडियंस ने भी उन्हें दिया ढेर सारा प्यार, इसलिए स्टार परफॉर्मर ऑफ द डे बन गए करणवीर बोहरा। इवन दो टीम ब्लू जीती, सबसे ज्यादा वोट जो है टीम ब्लू को मिले ना कि ऑरेंज को, पर फिर भी करणवीर बोहरा को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया गया। सारे के सारे जो लाइव ऑडियंस हमने देखे हैं सबके फेस पे व्हाइट कलर का मास्क था। यूजुअली हम देखते हैं आधे लोगों के पास ब्लू आधे लोगों के पास ऑरेंज होता है, लेकिन इस समय सारी ऑडियंस न्यूट्रल थी और परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे उन्हें ऑरेंज या फिर ब्लू मास्क पहनना था। 21 लोगों ने ऑरेंज तो 29 लोगों ने ब्लू मास्क पहना, जिसके चलते अत्याचारी अरीना का टास्क टीम ब्लू जीती। अब उसका फायदा किस तरीके से होगा, झोलघर में आखिर कौन जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन करण कुंद्रा ने दोनों ही टीम्स का भर भर के अप्रिसिएशन किया एंड उन्हें काफी ज्यादा एंटरटेन फील हुआ। तो कल के एपिसोड के लिए जरूर एक्साइटमेंट आप में होगी, और अगर अभी तक नहीं है तो ये सुनने के बाद जरूर एक्साइटेड होइएगा, बिकॉज आपके फेवरेट कैदी आपको एंटरटेन करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। आई सी यू गाइस सून, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।